हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देख रहे हैं कितना प्यारा कलर निकला है ये हिबिस्कस का। ये कॉस्टली तो निकला, कॉस्टली तो था, मगर कलर बहुत प्यारा निकला है। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी इसमें फूल खिलने की कि अब विंटर आ गए तो फूल नहीं खिलेंगे, फिर भी ये एक फूल ही खिला है और ये कलियाँ आ गई हैं, क्योंकि कीटों ने बहुत परेशान कर रखा है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, बट अब इसमें फूल आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी फूल खिले थे पर मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई थी, पर इस वाले हिबिस्किस में बहुत सुंदर फूल खिला है ये, और काफ़ी बिग साइज़ का फूल है। अब इसे कॉस्टली भी लिया मगर फिर भी मुझे कोई दुख नहीं लग रहा है, कोई अफसोस नहीं हो रहा है इसे ख़रीदने से, कि अच्छा लग रहा है कि चलो ये कलर मेरे पास ऐड हो गया। बहुत दिनों से ढूंढ रही थी इसे, ऑनलाइन भी मंगवाया था पर वो आया ऐसे ही, बिल्कुल डेड हो गया। उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं सुना, कुछ भी कोई रिस्पांस नहीं, और मुझे ब्लॉक भी कर दिया। पर अब ये खिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि हाँ चलो ये कलर आ गया है मेरे पास में। क्योंकि ये नर्सरी से लेके आई थी, बरेली की नर्सरी से, लाने में थोड़ी मेहनत तो लगी थी क्योंकि इतनी दूर से प्लांट लेके आना काफ़ी हैवी हो जाता है, कंधों पर ढोके लाना। ट्रेन से आती हूँ, फोर व्हीलर हो तो चलो कोई बात नहीं है, पर अपने इस तरह से लेके आना काफ़ी परेशानी भरा हो जाता है। बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है अब इसे जब खिलता है, प्लांट जब मिल जाता है ना, उसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए बहुत प्यारा कलर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, आई लव दिस सच में। तो कोशिश कीजिए अपनी लोकल नर्सरी से लेने की, अगर ना मिले लोकल में तभी आप लीजिएगा, तभी आप बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपनी लोकल से ही लेना पसंद करती हूँ मैं ज़्यादातर। जब मुझे लोकल में नहीं मिलते तब मैं बाहर से ख़रीदती हूँ, तो इसी चक्कर में मैंने ये ख़रीदा था, ऑनलाइन परचेज़ किया था, पर वो ठीक से नहीं मिल पाया मुझे, अच्छे से मेरे तक नहीं पहुँच पाया। अब वो एक्सपायर भी हो गया और शिपिंग चार्ज वगैरह भी काफ़ी गए थे उसके, तो दुख भी लगा, उसके जाने का गम हुआ बहुत ज़्यादा। पर चलो, मेरी लाइफ में नहीं था आने का वो, उसकी ऐसा था शायद में वो मुझे नहीं मिलना था या मेरे साथ नहीं चलना था उसे, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। अफसोस नहीं मनाऊंगी मैं, दुख लगता है पर फिर भी चलो ठीक है ना। अब नहीं था तो नहीं था मेरी ज़रूरत उसकी, मेरी लाइफ में उसे नहीं ज़रूरत होगी प्लांट को, तो वो अपने आप ही चला गया, मेरे से दूर चला गया। क्या बोलूँ, बोलने को कोई अल्फाज नहीं, शब्द नहीं है। इतना सुंदर लग रहा है मुझे इसका कलर, मोबाइल में के कैमरे में इतना अच्छा नहीं आया है इस एंगल से दिखाऊं, पर इसमें इस समय बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे इसकी एजेस जो हैं ये पिंक कलर है, इसके एजेस जो है ब्राउन कलर है, मल्टी पेटल है, घना वाला है, और अंदर ये रेड डॉट है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, आई लव दिस। और इसमें पानी अभी 4 दिन से पानी नहीं पड़ा है, फिर भी मॉइस्चर है क्योंकि विंटर है तो पानी कम ही पड़ता है, ये पानी कम ही डालना चाहिए। मेरा ये वाला हिबिस्किस अजीब सा ही होने लगा, ये भी पिंक था, सिंगल पेटल ही था पर पिंक था, पर पता नहीं क्यों ये ठीक से नहीं चल पा रहा है। कुछ मेरे जो बहुत कॉस्टली प्लांट थे, ऐसा लग रहा है जैसे वो विंटर को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है इसकी, इसलिए देखिए मैं 4 दिन से पानी नहीं दिया है। और इसमें अच्छे से मैंने ये मिट्टी की गुड़ाई वगैरह भी कर दी है, ये मिट्टी देखिए बिल्कुल पोरस मिट्टी है, हाथ से ही मैंने गुड़ाई कर दी थी। देखिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू हो गया इसके साथ में, मालूम नहीं। तो ये तो अच्छा है, देखें कब तक चलता है ये, ठीक से ठीक ठाक चलता है। ये वाला भी मेरा देखिए किस तरह का हो गया, ये वाला देखिए मेरा किस तरह का हो गया, एफिड वगैरह का अटैक है या कोई और इशू है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं पेस्टिसाइड का भी स्प्रे कर चुकी हूँ, फंजीसाइड का भी स्प्रे कर चुकी हूँ, शायद विंटर इफेक्ट है, विंटर का इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट बोलो वो है। दुख लग रहा है इतने कॉस्टली प्लांट लेके आओ और फिर इस तरह से मर जाए, तो बहुत बहुत बुरा लगता है। तो पानी कम डालना है, खाद आप ऑर्गेनिक खाद डालने ज़्यादा अच्छा है, नहीं डाल सकते इतना नहीं कर सकते तो थोड़े से 10-15 दाने आप DAP डाल दीजिएगा, आराम से चलते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं देखने में भी, और कलर भी उसे DAP से अच्छा आता है, तो DAP आप डाल सकते हैं, बढ़िया लगता है DAP से।
कलर वगैरह और डीएपी में सभी होते हैं, फॉस्फोरस होता है, पोटाश होता है, सब चीज़ होती है। तो आप उसमें ये उसके पत्ते भी अच्छे रहेंगे, ग्रीन रहेंगे, तो डीएपी डाल सकते हैं, बट थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। गोबर की खाद वगैरह डालें तो उससे नाइट्रोजन अच्छी मिलेगी। होम गार्डन अपने जो करते हैं तो उसके गार्डन के जो पत्ते वगैरह अगर उसकी खाद बनाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका फूल। वैसे मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, मैं कुछ प्लांट निकाल कर लेके जाने वाली थी, पर इसे देखा तो दिल कर गया चलो इसको शूट कर लेते हैं इसका वीडियो। और ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें हल्का सा पिंकिश कलर है, पानी नहीं पड़ा है, इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है। देख रहे हैं यहाँ पे पत्ते अजीब से हो रहे हैं, मुरझाए हुए से, तो इसमें पानी की ज़रूरत है। और ये है मल्टीपटल, ये देखिए ये भी अच्छा खिल रहे हैं ये भी। और पत्ते अब सभी के पीले पड़ने लग रहे हैं, क्योंकि फोग पड़ रहा है तो पत्ते सबके पीले होने लगे हैं। देखिए है ना, सबके पत्ते पीले हो रहे हैं, फ्लावरिंग तो हो रही है पर पत्ते पीले होने लगे हैं। देखिए इसमें भी बट्स आ रही हैं। तो अभी बस पानी कम दीजिएगा, बिल्कुल पानी एक तरह से मिट्टी ड्राई होने लगी। देखिए बिल्कुल मिट्टी ड्राई है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये मिट्टी ड्राई है मगर नीचे से मॉइस्चर है, और लगातार पानी डालते रहेंगे तो ये मिट्टी इसकी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, है ना। तो पानी कमी डालिए, जैसे ये हो गया, इसकी मिट्टी सूखी नहीं रही है। मैं सोच रही हूँ इसे निकाल करके इसकी मिट्टी को पूरी ड्राई करूँ, इसे किसी टाट के पॉट में लगाऊँ, टाट के कट्टे में लगा दूँ, जिससे कि इसे इसकी जड़ों को एयर मिलती रहे, वो करना पड़ेगा मुझे इसमें। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास ऐसी जगह हो जहाँ फोग ना पड़े वहाँ लगा दें। अब मेरे यहाँ तो कम से कम 400-500 प्लांट है, तो इन्हें मैं ऐसी जगह नहीं रख सकती हूँ कि जहाँ फोग ना पड़े, पर आपके पास हो तो रख दीजिएगा। मेरे तो ऐसे खुले में रहते हैं सारे प्लांट, मैं कहाँ तक अकेले करने वाली तो कहाँ तक उठाऊँ और रखूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ अब। तो फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।